हेलो एवरीवन, हम वापस आ गए एक और वीडियो में। और ये वीडियो है डेडिकेटेड टू मीम कॉइन्स, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं डोज, फ्लोकी और शिप के बारे में। ओवर टू यू। नहीं, राइट सो ये जो मीम कॉइन्स है ना, इनकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मतलब ये एंटरटेनिंग तो है। देखो मतलब कुछ वो नहीं। अब जैसे ये जब ये 21% बढ़ा था तो एक दिन में, तो ये इलॉन भाई कमाल है ये तो सब। तो ठीक है, एनीवेज मैं लेवल बताता हूँ। 0.1632 इज द सपोर्ट, एंड जीरो पॉइंट 1632। 1632 एंड 0.1952 इज द रेजिस्टेंस, जो हमको पता ही है, फेमस लेवल। नेमिश ने इसके बारे में ट्वीट भी किया था, तो ये वही लेवल है। राइट सो डोज जो है दैट इज ऑन अ डाउन ट्रेंड सिंस अक्टूबर एंड, राइट। और कंसिस्टेंटली प्राइस नीचे आ रहा है। बीच में जरूर एक दिन बढ़ा था, लेकिन लेकिन उसमें भी लोअर हाई बना। आप ये सोचो, मैं एक बार पहले स्ट्रक्चर बताता हूँ। दिस इज द हाई, लोअर हाई, ये नहीं, सॉरी, ये वाला लोअर हाई और ये वाला लोअर हाई, ठीक है। उसके बाद ये लो, लोअर लो, दिस इज अनदर वन, ये एक और ये एक और। तो लगातार दो की जगह चार पांच। सिंपल बात कि लॉन्ग नहीं करना, क्योंकि चार पांच लोअर हाई लोअर लो मिल चुके हैं। आप सोचो बेरिशनेस कितनी होगी कि प्राइस 22% 21-22% बढ़ा, उसके बावजूद लोअर हाई बनाया इसके नीचे, राइट। विच मतलब इससे ज्यादा क्या बेरिश साइन होगा कि इतना प्राइस मूवमेंट, मतलब प्राइस इतना गिर गया था कि 22% बनने के बाद भी पिछले हाई से नीचे बना है। सो इट्स क्लियरली इन अ डाउन ट्रेंड। और कोई मतलब एक आध दिन किसी मतलब न्यूज की वजह से ऐसा बड़ा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया। ऐसे में हाँ, स्टॉप लॉस हंटिंग जरूर हुई होगी, काफी लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है मार्केट में। आप री एंटर कर सकते हैं अगर आपको मतलब, अगर ऐसा हो कि आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप इस लेवल के आसपास री एंटर कर सकते हैं अपना शॉर्ट, अगर आपका ऑलरेडी है तो, राइट। अगर आप लॉन्ग है तो क्यों है भाई, 3 महीने से प्राइस गिर रहा है, अब क्यों लॉन्ग है आप, है ना। और फिर भी अगर हो तो इस तरह का पंप, ये इसको मतलब आप इसी, ये इसी के लिए बना होता है एग्जिट करने के लिए लॉन्ग्स को। तो इसमें अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो इतना बड़ा तो नहीं, पर थोड़ा भी अगर मूवमेंट आया 4-5% का ऊपर की साइड तो निकल जाओ, क्योंकि काफी टाइम से डाउन ट्रेंड, इनफैक्ट और पहले से चल रहा है। तो बीच में थोड़ा सा बड़ा था, बट अदरवाइज अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये तो मतलब साल की स्टार्टिंग से ही, सॉरी सेकेंड हाफ से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जून जुलाई से, राइट। सो माइट एज वेल नॉट टेक अ चांस ऑन दिस वन, क्योंकि मतलब चार्ट तो यही कह रहा है कि भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो ये बेहतरीन मौका था, ये पंप यहाँ पे शॉर्ट करने का। और अगर नहीं तो आप 0.61632 के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे भी कर सकते हो, पर ये बढ़िया मौका था। तब ये इसके नीचे चला जाए तो फिर और भी बढ़िया है उसकी, मतलब ये सेफ हो जाएगा, रिटर्न इससे कम होंगे बट यहाँ पे सेफ हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट यू शुड डू अबाउट डोज कॉइन। आई थिंक वॉल्यूम्स एक्सेप्ट हो, एक एक दिन के सिवाय वॉल्यूम्स भी कम हो रहे हैं, तो विच इज ऑल्सो बेरिश साइन। सो ऑल इन ऑल पिक्चर यहाँ पे ग्लूमी लग रही है। लॉन्ग की कोई जरूरत नहीं है, जाके फालतू अपने हाथ मत चलाना लॉन्ग वॉन्ग करके, ठीक है। हाँ शॉर्ट ही करो अगर करना भी है तो, और वो इसके नीचे ही करो तो बेहतर है, राइट। सो दैट इज डोज कॉइन। चलो इनके फ्लोकी से भी बात कर लेते हैं फिर। एलोन मस्क की बातें की हमने तो, यू नो अपने ना, डॉक्टर का नाम फ्लोकी। फ्लोकी रखा है ना। हाँ हाँ, उनके डॉग का नाम फ्लोकी था हाँ और लोगों ने कॉइन बना दी और चल रहा है मस्त। क्या बात है, ठीक। इसका आप सपोर्ट ले लो 0. अरे भाई भाई कितने जीरो, 0.000132, दैट्स ट्रिपल जीरो द, वन थ्री टू ओके हाँ दैट्स द सपोर्ट, 0.000132। एंड द रेजिस्टेंस इज एट 0.000221। सर, डबल ही कर दिया। हाँ नहीं डबल तो नहीं, पर अब वो ये ना, ये इसमें मतलब ड्रॉप देखो ना आप कितना ज्यादा आता है, इसीलिए। तो एनीवे सो फ्लोकी जो है ये जब लिस्ट हुआ आई थिंक अक्टूबर में, तब तो थोड़ा एक आध हफ्ते साइडवेज रहा। उसके बाद एक क्रिप्टो स्पेशल एसेंशियली जस्ट हाइप, जब नवंबर में थोड़ा मेटावर्स वगैरह के बारे में बात हुई तब सभी पूरा मार्केट ऊपर गया, बिटकॉइन ने भी ऑल टाइम हाई बनाया, तो ये उसका है। और सिंस देन, सिंस 5 नवंबर व्हिच इज व्हेन इट मेड इट्स ऑल टाइम हाई, इट इज बीन ऑन अ डाउन ट्रेंड। सो दिस इज द ऑल टाइम हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, और ये मोस्टली लोअर हाई, अभी बना नहीं और ऊपर जा सकता है,
इसके ऊपर जाने के लिए चांसेस कम है, सो लोअर है। दो चाहिए, तीन बन गए, दिस इज अ लो, लोअर लो, लोअर लो एंड मच लोअर लो। सो दो लोअर हाई लोअर लो यहाँ पे भी बन गए डेली पे। हम आई थिंक एक हफ्ते पहले जब इसी बात कर रहे थे तो हम ये बोल रहे थे कि यार अभी तक डेली पे नहीं बने, 4 आवर पे बन गए, और वहां से हमें देख के समझ में आ रहा था, पर अब तो डेली पे भी बन गया, मतलब कि यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। सो यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड बन गया, दो लोअर हाई लोअर लो की जगह तीन लोअर हाई लोअर लो मिल गया, विच इज अ क्लियर साइन की लॉन्ग नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हो तो क्यों, मतलब क्या मतलब भाई, क्या प्यार है। हाँ मतलब मीम कॉइन्स में लॉन्ग होने के लिए या तो आपको कुछ पता होना चाहिए, कोई कहीं लिस्टिंग हो रही है कुछ जिसके बारे में आपको पहले थोड़ी खबर लग गई है, यू नो, या फिर आपको कुछ मतलब किसी कोई फंडामेंटल न्यूज आ रही है, या फिर पूरा ही मार्केट ऐसा रैली कर रहा है कि बिटकॉइन नए नए हाई बना रहा है रोज, मतलब ऐसा एकदम आग लगी पड़ी है मार्केट में, तो आप कर लो राइट। मतलब मार्केट में कन्विक्शन नहीं है, आपके पास कन्विक्शन कहाँ से है। हाँ तो जब 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 पूरा मार्केट क्रैश हो रहा हो तब मीम कॉइन्स आर वेरी रिस्की, दैट्स ऑल आई वांट टू पॉइंट आउट बेसिकली। जब पूरा मार्केट बढ़ रहा हो तब तो ठीक है, तब आप तो, तब तो जिसको हाथ लगा वो सोना फॉर लॉन्ग, पर फॉर लॉन्ग, पर जब मार्केट गिर रही हो तो लॉन्ग साइड में मीम कॉइन्स आर प्रीटी रिस्की, राइट। सो प्लीज डू नॉट लॉन्ग, इफ यू स्टिल लॉन्ग तो ऐसे ये ऐसे भाई ये मिलते क्यों है, 33.47% बढ़ा था वो, मतलब क्या और क्या चाहिए आपको इससे ज्यादा। ये देखो ये 41 मतलब बढ़ता तो है बेचारा बीच बीच में, ऐसे दौरे चलते तो है, निकलो ना उसमें, हाँ निकलो उसमें, क्या कर रहे हो फिर, है कि तो ऐसे जब पंप्स आते हैं उनमें आप निकल सकते हैं, जरूरी नहीं इतना बढ़ाई, 5-7% का भी पंप आए तो निकल जाओ, क्योंकि यार ये काफी टाइम से मतलब आप देखो तो अब 1.5 महीने के ऊपर हो गया द प्राइस इज ड्रॉपिंग and it's in a downtrend, so might as well get out of it. Short ये available है ही नहीं, मुझे पक्का पता है, तो बोल के फायदा नहीं कि कहाँ करना चाहिए, but yeah, avoid going long at the moment, that's all I'll say. Right. Let's have the Doge killer. बताओ कौन? Shib. Yeah. Doge killer मतलब aspiration भी मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि Ethereum killer नहीं, Doge killer मतलब aspiration भी कम है भाई तुम्हारे। मीम कॉइन को क्या भाई, मतलब ऐसे सोलाना किलर या फिर एथेरियम किलर, बिटकॉइन किलर कुछ ठीक, डोज क्या रे, मतलब खा भी छोटे एकदम, मतलब ऐसा, बट एनीवेज लेकिन द थिंग इज इट आल्सो काइंड ऑफ रैलीड, आई मीन नॉट द फॉर व्हाटएवर रीजन इट डिड मूव अप सो मच दैट इट आई थिंक वाज फॉर अ व्हाइल द बेस्ट परफॉर्मिंग कॉइन ऑफ 2021 इन क्रिप्टो, in like the famous ones, जैसे छोटा मोटा कोई हो तो पता नहीं, मतलब in the top 100 200 coins this was probably the best performing for a while, अब पता नहीं है कि नहीं, but बीच में सोलाना से भी ज्यादा मूवमेंट आया था इसमें 2021, which is just crazy, I don't know how that works, but just crazy, and this crypto special right here was insane man, like it the price went up by, ये देखो आप, ये देखो ये जो price है ये 5 दिन में 220% बढ़ी है, 5 दिन में 220 है, स्टॉक मार्केट में 10 साल लग जाए इसमें, ये 220% यार क्या है, मतलब 5 दिन में भाई, मंडे को शुरू किया फ्राइडे तक पैसा डबल, 21 दिन में नहीं 5 दिन में, और लोग बात भी करते हैं ना कि पैसा डबल भी नहीं एक्चुअली 100% डबल है, 200% तो 3x होता है, आई एम नॉट श्योर कि लाइक तुमने इथेरियम व्हेल का सुना होगा, बिटकॉइन व्हेल का, भाई लोग बात करते हैं शिप व्हेल, मतलब कि क्या हो रहा है, तो भी कुछ है लेकिन मिलियन शिप तो क्या है, मतलब मेरे ख्याल से कुछ 1000 भी नहीं होगा, एनी वे लेट्स क्या लेवल दिस वॉज इनसेन, इसके जो लेवल है वो बड़े भाई बहुत ही जीरो जीरो पॉइंट बहुत सारे जीरो, बताओ फ्लोकी से पहले आया था ये, पर तब भी फ्लोकी का प्राइस ऐसे आया, अच्छा लिस्टिंग प्राइस के ऊपर वो, हाँ इसके जो वो है मैक्स सप्लाई वो बहुत ही ज्यादा है ना इसलिए, हाँ वो तो भाई 0. कितने जीरो है रे, चार होंगे पांच, हाँ 1 2 3 हाँ 4 0.4027 is the support and 0.4035 is the resistance. Clearly on a downtrend. After this crypto special and this huge, हाँ मैंने बहुत छोटी quantity खरीदी है और 3.5 पे खरीदी है, मतलब अच्छा
मतलब हियरिंग दैट सेम थिंग ना कि वो आपका रेजिस्टेंस है, दुख क्या बात, दर्द पीड़ा। वाह कोई बात नहीं। चलो तो ये जो रैली थी उसके बाद से, सिंस अगेन अक्टूबर एंड इट इज ड्रॉपिंग, आई थिंक नवंबर वाज काइंड ऑफ नॉट वेरी गुड फॉर ऑल द मार्केट्स, बट ठीक है, दिस वाज द ऑल टाइम हाई, देन दिस इज अ लोअर हाई, लोअर हाई एंड लोअर हाई, नहीं ये वाला सॉरी, और फिर ये लोअर, एंड देन उसके बाद तो पाताल लोक की तरफ की प्लानिंग, दिस इज अ लो, लोअर लो, लोअर लो, एंड लेट्स सी कहाँ जाता है। सो दो लोअर हाई लोअर लो मिलकर डाउन ट्रेंड बना हुआ है, प्लीज डू नॉट लॉन्ग, क्योंकि यार देख रहे हो सपोर्ट वपोर्ट टूट रहा है यहाँ पे, राइट, सो प्लीज डू नॉट लॉन्ग। शॉर्ट करने के लिए दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम, थोड़ा सा या तो और ऊपर चले जाए 0.0, अभी इधर 0.0 नहीं मतलब 0. जितने भी 4038 वहां पे, या फिर आप इस सपोर्ट के नीचे 0.4027 के नीचे, राइट, सो 0. जितने भी 0 गाइस 38 पे, या तो 38 या 27 के नीचे, 38 आ जाए तो बढ़िया है, और नहीं तो 27 के नीचे, राइट, दैट दोस आर द लेवल्स, इफ यू आर ऑलरेडी लॉन्ग जस्ट वेट फॉर एन एग्जिट पंप लाइक दिस और समथिंग एंड गेट आउट, बिकॉज यहाँ पे यार मतलब लाइक आई सेड, अगर पूरा मार्केट क्रैश होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करे, राइट, सो दैट इज अ शिप, राइट प्लीज मतलब ट्राई एंड अवॉइड प्लीज थोड़ा दूर रहे। राइट थैंक यू सुमनेश, हमने मीम कॉइन्स के बारे में बात कर ली और काफी ग्रिम सिचुएशन सी लग रही है, मतलब दुख दर्द पीड़ा जिसने लॉन्ग किया जिसने बाय किया है, पर अभी हमने और भी काफी सारे कॉइन्स डिस्कस किए, तो क्या सभी में ग्रिम है? वो तो आपको बात लिंक में लिंक्स चेक करने के बाद पता चलेगा, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से चेक कर लो यार, क्या पता आपका कॉइन में कहीं जैकपॉट लग जाए। सही बात लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि यार बाकी काफी सारी वीडियोस बनाते रहते हैं, वो सारी चेक करना बहुत जरूरी है भाई अगर आपको क्रिप्टो के बारे में अपडेटेड रहना है तो। सही बात और ऐसी वीडियोस हम हर वीकली बनाते हैं 2 बार, मंडे और थर्सडे को, और उसके लिए हम गूगल फॉर्म रिलीज करते हैं जिसमें हम आपके खुद की रिक्वेस्ट ही लेते हैं, तो अगर आपको चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से हम आपके कॉइन्स के बारे में भी बात करें तो भाई गूगल फॉर्म भर लेना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो ताकि आपको पता रहे कि यार कब आ रहे गूगल फॉर्म, और अगर आपको इमीडिएट हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सुमनेश को टैग करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सुमनेश। बाय।